गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से आप जान चुके हो कि आज मैं एक खादी गोल्ड का सैंडल एंड रोज पैक रिव्यू करने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये है प्रोडक्ट जो मैं रिव्यू भी करूँगी, अप्लाई भी करूँगी। आपको पता है मेरे हर वीडियो में आपको एप्लीकेशन ज़रूर देखने को मिलता है। सो, मैं अभी बात करके समय नष्ट नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरी हिंदी है, ओके, एंड जस्ट फॉरगिव फॉर माय हिंदी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, हर्बल खादी गोल्ड सैंडल एंड रोज पैक। जैसा कि आप देख रहे हो एक प्लास्टिक के जार में आता है। प्रोडक्ट क्वांटिटी जो आपको मिलेगी दैट इज़ 50 ग्राम एंड द प्राइस दैट यू हैव टू पे दैट इज़ ₹125। मुझे 94 रुपीज़ में डिस्काउंट पे ये मिल गया था। एंड आपको पता ही है मैंने खादी गोल्ड के प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हुए हैं कि ये सब नेचुरल है, पैराबेन फ्री है, केमिकल फ्री है एंड वीगन भी है। एंड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है दैट इज़ December 2018। आप इसे यूज़ कर सकते हो, दैट मीन्स एक्सपायरी जो है दैट इज़ November 2022 ईयर्स टाइम यू विल बी गेटिंग, दैट इज़ ग्रेट। एंड एक बात है जो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में कहना चाहती हूँ, जो मैंने दूसरे खादी गोल्ड प्रोडक्ट में फेस नहीं किया। जब मैंने इसे खोला था, मैंने इसे एक बार यूज़ कर लिया है एक्चुअली। सो जब मैंने इसे खोला था तो प्रोडक्ट क्वांटिटी जो थी, मतलब ये जार था, ये फिल्ड अप नहीं था, खाली था। अब इसे खोलने के बाद ये है, मैंने इसे जस्ट एक बार यूज़ किया था, तो जो मुझे प्रोडक्ट क्वांटिटी तब दिखी थी वो, तो मुझे किसी भी खादी गोल्ड प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं। ये वाले में ज़रा शिकायत है क्योंकि मुझे ये जो मतलब दबाव देख रहे हो वो पूरा फिल्ड अप नहीं हुआ था। तो दिस इज़ द थिंग, आप देख सकते हो दिस इज़ द टेक्सचर एंड द टेक्सचर इज़ रियली थिक। एप्लीकेशन तो आप देखोगे ही। इसमें सैंडल है एंड रोज़ है। सैंडल की तो मतलब इतनी सारी बेनिफिट्स है कि हम गिनते रह जाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ जो हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, इसे हल्का करने में सैंडल बहुत ही यू नो हेल्पफुल रहता है एंड बहुत ही सूदिंग है। स्किन के किसी भी प्रॉब्लम के लिए सैंडल इज़ रियली गुड। एंड रोज़ इसमें है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, रोज़ वाटर और रोज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का है। तो यू नो रोज़ इज़ वेरी सूदिंग एंड इट इज़ समर टाइम, दैट इज़ द रीज़न आई बॉट दिस पैक। यही रीज़न है मैंने कि ये पैक ख़रीदा है। मुझे पता है कि फेस पैक लगाने के बाद ज़्यादा बातें नहीं करते, फिर भी मैं थोड़ी बातचीत आपसे करना चाहती हूँ। जब मैं इसे लगा रही थी ना, दिस इज़ द सेकेंड टाइम व्हेन आई वाज अप्लाइंग दिस मास्क, आपको लगेगा कि आप बटर अप्लाई कर रहे हो, इतनी मतलब बटरी है ये, मतलब इतनी क्रीमी है ये बहुत क्रीमी है। एंड जब आप अप्लाई करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अमेजिंग है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फेस पैक काफ़ी हद तक सूख चुका है, इट्स ड्राइड ऑफ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट ऑफ बाय द हेल्प ऑफ अ वेट टॉल, एक वेट टॉल को यूज़ करके मैं इसे रिमूव कर दूँगी।
इज द फाइनल रिजल्ट विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इस मास्क को लगाने के बाद जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो स्किन को इंस्टेंट एक ग्लो देता है, ओके, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है एंड आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे. जो फ्रेग्रेंस है मैंने कहा है वो अमेजिंग है. अब जब लगाओगे एक बटरी सा फीलिंग होगा और जब उसे वेन यू आर गोइंग टू टेक ऑफ दिस मास्क आपको तभी भी एक सॉफ्ट सॉफ्ट स्मूथ स्मूथ फीलिंग मिलेगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के बीच में. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि देर इज़ समथिंग फॉर एवरी वन इन माई चैनल. प्लीज़ डू चेक द प्लेलिस्ट, यू विल कम टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टाटा, गॉड ब्लेस्ड.